दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते खैरियत होंगे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप लोग जो है यहाँ पर CSP ID लेने की सोच रहे हो और आप लोग जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ के काम करना चाहते हो, APS ID चलाना चाहते हो, आधार कार्ड से पैसा निकालना चाहते हो और यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो और एक दुकान खोलना चाहते हो, दोस्तों एक CSP पॉइंट ओपन करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, तो इस वीडियो पे आप लोग जो क्लिक किए हो बहुत ही सोच समझ के क्लिक किए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने वाले कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जो है अगर CSP ID लेते हैं, APS ID लेते हैं, तो कौन सी बैंक का ID लेना चाहिए और कौन आपके लिए बेस्ट होगा। क्या फिनो पेमेंट्स बैंक की लेनी चाहिए, क्या पेनियर वाई की, स्पाइस मनी की, यहाँ पे रॉनिट पे आती है, बहुत सारी ऐसी जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगी कंपटीशन मार्केट में। आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम जो आईडी किसकी ले APS करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों आपका कंफ्यूजन जो है ये कि हम आईडी किसके लिए और किससे जुड़ के काम करें। तो सबसे पहले हम जो है 3 आईडी ऐसे ही बताने वाले हैं जिसपे आप लोग 100% भरोसा कर सकते हैं, आप पे 1 रुपए का भी फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 आईडी कौन सी है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। 3 आईडी के साथ अगर आप लोग जुड़ के काम करते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपके साथ बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड होगा तो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है वो डूब जाएगी, आपके वॉलेट में अगर पैसा है तो वो लेके भाग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो हेल्पफुल मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो कॉमेंट अगली वीडियो के लिए कॉमेंट करें ताकि हम जो है आपके लिए वीडियो बना सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जो है आईडी की बात करने वाले हैं वो है नंबर 1 की। हम बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 से नहीं, नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 आईडी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो नंबर 3 पे आता है दोस्तों पेनियर बाई। पेनियर बाई का अगर आप लोग नाम नहीं सुने हो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बहुत सारे यूजर्स हैं और इंडिया के अंदर ये पॉपुलर पेनियर बाई का जो आईडी है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ट्रस्टेड है दोस्तों। आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, 100% ऑथोराइज है RBI से और यहाँ पर जो NPCI से सपोर्टेड है एप्लीकेशन, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप लोग जो है यहाँ पे पेनियर वाई के साथ जुड़ के काम करते हैं तो बिल्कुल भी आपका फ्रॉड नहीं होगा। पेनियर वाई की आईडी आप लोग चाहे तो खुद से भी यहाँ पर जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं करना आता है आपको तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे और हम जो आपको आईडी प्रोवाइड करवा देंगे। जितनी भी प्राइस लगती है वो आपको वहीं पे बता दी जाएगी। तो दूसरे की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेनियर बाय में आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेगी, ठीक है। इस पेनियर बाय की हम बात करें तो सबसे पहला आप मनी विड्रॉल कर सकते हैं आधार कार्ड से, मनी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस कर सकते हैं और यहाँ पे यूटिलिटी का बिल भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं, एजुकेशन बिल भर सकते हैं और भी बहुत सारी जो है एप्लीकेशन के अंदर जो अपडेट आती रहती है। तो इसमें जो है एक्सिस बैंक का CSP भी आपको मिल सकता है और आप जो इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हो बायोमेट्रिक लगा के। तो अभी हम बात करते हैं दूसरी आईडी की। दोनों में सेम ही प्रोसेस है, मतलब जितने भी है, एक आईडी में नंबर 1 पे जो आपको बताने वाला हूं वो धमाकेदार है और आप जो उससे ले लेते तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में जानने के लिए पूरा जरूर देखिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए दूसरा हम बात करने वाले स्पाइस मनी। सही सुन रहे हैं दोस्तों, स्पाइस मनी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो कुछ भी नहीं जानते APS के बारे में। स्पाइस मनी ये इंडिया की जो है मोस्ट पॉपुलर कंपनी है और फिनटेक कंपनी में इसका लिस्ट में नाम आता है दोस्तों। अगर आप लोग स्पाइस मनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो स्पाइस मनी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी ऐसा लाई लपेटा इसमें नहीं होता है, बिल्कुल भी आप लोग स्मूथ तरीके से काम कर सकते हैं, 1 रुपए का भी फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा, ऐसा भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए स्पाइस मनी जो वो कंपनी बंद हो जाएगी या भाग जाएगी। देखिए दोस्तों स्पाइस मनी एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस है और अच्छी जो है कंपनी है, RBI रजिस्टर है और यहाँ पर दोस्तों स्पाइस मनी जो है यहाँ पर दोस्तों स्पाइस मनी आईडी जो है स्पाइस मनी कंपनी जो है वो RBI ऑथोराइज है और यहाँ पर जो है NPCI से सपोर्टेड है, तो इसको लाइसेंस मिला हुआ है। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, इसमें आपको जो सर्विसेज मिलती है वो आधार मनी ट्रांसफर मनी विड्रॉल कैश डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी व्हीकल इंश्योरेंस और यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस और यहाँ पर जो आपको सबसे बेनिफिट मिलती है इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने की सुविधाएं और पेपरलेस यहाँ पर जो पैन कार्ड बना सकते हो और यहाँ पर जो नॉर्मली आप लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी पैन कार्ड बना सकते हो वो भी जो है यहाँ पर दोस्तों इसकी जो कॉस्ट होती है एक पैन कार्ड बनाने की 107 रुपये होती है। तो आप लोग को इसी तरीके से आपको जो है एक यहाँ पे पैन कार्ड बनाने में 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, आप लोग जो इससे पैन कार्ड बना सकते हैं। और दूसरा जो आपको एजुकेशन फीस या जो नॉर्मली जो दूसरे आईडी में था तीसरे आईडी में वही इसमें भी मिलता है, ठीक है। फिनो पेमेंट्स बैंक की
दोस्तों तो आप जो है दूसरी आईडी के बारे में भी समझ गए होंगे एईपीएस की। अगर आप लोग जो है यहाँ पर स्पाइस मनी की आईडी लेना चाहते हैं तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर स्पाइस मनी को डाउनलोडिंग करके। और दूसरी यहाँ पर अगर आपको खुद से क्रिएट नहीं करने आता है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम जो आपका आईडी क्रिएट करके आपको दे देंगे। जो भी आईडी क्रिएट का प्राइस होगा वो आपको मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे हम आपको, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहली आईडी की तरफ बढ़ते हैं और वो कौन सी आईडी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आईडी की बात करें, नंबर वन इंडिया की कंपनी की बात करें तो फिनो पेमेंट्स बैंक। दोस्तों ये ऐसा इकलौता एईपीएस आईडी है जो बैंक की आईडी है, ठीक है, बैंक की। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक जो है पेमेंट दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक जो है पेमेंट्स लिस्ट का जो है बहुत ही बड़ा बैंक है, ठीक है। यहाँ पर जो है फिनो पेमेंट्स बैंक उन बैंक में आता है। अब तो ये सुनने में मिल रहा है कि फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने वाला है, फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो है या फिनो पेमेंट्स बैंक कह सकते हैं इसे, फिनो पेमेंट्स बैंक की ताबड़तोड़ यहाँ पर जो है यहाँ पर कमाई होती है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ के काम करते हैं और बहुत सारे लोग इसकी आईडी लेते हैं हमसे पर्सनली और काम करते हैं, बहुत ही अच्छी अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक में सबसे बड़ी जो बेनिफिट मिलती है दोस्तों वो मिलती है आपको आधार कार्ड से अकाउंट ओपनिंग की सर्विस। आधार कार्ड से आप लोग यहाँ पर मानो तो यहाँ पर आधार बिना ओटीपी के, ठीक है, आप लोग बायोमेट्रिक से किसी भी ग्राहक का एक प्रॉपर सीएसपी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी लीजिए। इसमें क्या होगा कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और बच्चों का जो स्कूल में दिया जाता है खाता वो भी आप ओपन कर सकते हैं। मात्र आईडी प्राइस जो है वो 500 रुपए है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा तो आप लोग जो है मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इसमें क्या जो है आपको सर्विसेज मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी लेते हैं तो फिनो पेमेंट्स बैंक में जो पहला सर्विस आपको मिलने वाला है वो आधार कार्ड से पैसा निकालना, माइक्रो एटीएम से पैसा निकालना और पैसा ट्रांसफर करना, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। और तीसरा जो सबसे अच्छी सर्विस मिलने वाली है और बहुत ही बड़ा की पॉइंट है फिनो पेमेंट्स बैंक का, यहाँ पर जो है आप लोग जो है चाहो तो यहाँ पे किसी भी बैंक के किसी भी कस्टमर का पैसा तो निकाल ही सकते हैं, उसके साथ साथ किसी भी ग्राहक का आप लोग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और यहाँ पर जो है आप अगर आप लोग चाहे तो भविष्य सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और बायोमेट्रिक के थ्रू आप लोग चाहे तो उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आईडी चाहिए तो आप लोग को तीनों में से आपको डिसाइड कर लेना है, मेरा काम था आपको समझा देना। अगर आप लोग काम करना चाहते तो 100% ये तीनों के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी ऐसा बात नहीं होगा जो आपको बाद में पछताना पड़े। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।